अल्ट बालाजी अपनी एक नई वेब सीरीज लेकर आ रही है जिसका नाम है क्लास ऑफ 2020। इसके लीड एक्टर और लीड एक्ट्रेस आज हमारे साथ लखनऊ में मौजूद हैं। सबसे पहले वेलकम टू लखनऊ। थैंक यू सो मच सर, ऑल गुड। किस तरह की आप लोगों की ये वेब सीरीज है, जैसे कि नाम ही है इसका क्लास ऑफ 2020, तो कहीं ना कहीं से एक इंडिकेट हो रहा है कि पढ़ाई से रिलेटेड है, क्या है थोड़ा सा आप लोग बताएं इसके बारे में। जो 2020 की जैसी क्लासेस होती हैं उस क्लास की कहानी है। 12th स्टैंडर्ड के 10 कैरेक्टर्स हैं, मतलब उनकी कहानी है कि क्या क्या होता है उनकी लाइफ में। सीधी सी लाइफ चल रही होती है, फिर क्या कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस आती हैं, क्या कुछ से उन्हें गुजरना पड़ता है, कहीं पे दोस्तियां बनती हैं, दोस्तियां टूटती हैं, तो इन सब की कहानी है। बहुत ही रियलिस्टिक स्टोरी है, बहुत ही रियल लाइफ से सारे कैरेक्टर्स उठाए हुए हैं, सो आप लोग काफ़ी रिलेट कर पाओगे उन कैरेक्टर्स से। लगता है चेतना, कहीं ना कहीं से जो आज के समय में एक बोरिंग लाइफ हो चुकी है स्टूडेंट की, से पढ़ाई कर करके, तो इसके बाद कहीं ना कहीं से कुछ एंटरटेनमेंट होने वाला है। आई थिंक या दिस इज व्हाट इज हैपनिंग, यू नो, अभी कुछ दिन पहले ही हम लोग को बहुत सारे पता चल रहा था कि लड़कियां लिटरली अपने नाइट आउट्स में, पजामा पार्टी में सारे लोग बैठ के हमारी वेब सीरीज बिंज वॉच कर रहे हैं। एंड फॉर अ लॉट ऑफ स्मॉल टाउन्स नोबली हाई हैज बिकम वन ड्रीम स्कूल दैट दे वॉन्ट टू गो इन टू, लाइक हाउ हिप्पी फुर्रे वॉज जब यू नो पहले मैं देखती थी। सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग क्योंकि बहुत रियलिस्टिक दिखाया हुआ है जो एक्चुअली होता है। कहीं कहीं पे कई बार चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम कर रहे होते हैं बट वी डोंट लाइक टू एक्सेप्ट इट, सो दिस स्टोरी इज आई थिंक वेरी ऑनेस्ट एंड वेरी रियल। हमारे साथ रोहन मेहरा भी मौजूद हैं इसमें लीड एक्टर की भूमिका में। किस तरह से देखते हैं इस वेब सीरीज को, क्या लगता है कैसा आउटपुट मिलेगा? यूथ ओरिएंटेड ये वेब सीरीज है, यूथ पे बहुत कम वेब सीरीज बनती हैं, कम शोज बनते हैं। हिप्पी फुर्रे बहुत फेमस शो था जो 15-20 साल पहले आया था, उसके बाद अगर आप बोलेंगे तो 2-3 शोज ही आए, ज़्यादा कोई इतना लोगों को याद भी नहीं होंगे। लेकिन अब जो ये है काफ़ी फ्रेश शो है क्लास ऑफ 2020, और इसके जो 10 एपिसोड्स थे 4 फेब को रिलीज़ हुए थे, बाकी के 10 14 फेब को, और जो बाकी जो इसका क्लाइमेक्स सीन्स और सारे जो एंड के 10 एपिसोड्स हैं वो 24 फेब को रिलीज़ होने वाले हैं। तो अभी तक का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आ रहा है, ऑलरेडी ट्रेंड कर रहा था नंबर 3 पे पूरे इंडिया में, ऑलरेडी हिट हो चुका है शो और बहुत लोगों को पसंद आ रहा है। वो काफ़ी वेट कर रहे हैं कि जल्दी से ये जो आखिरी के 10 एपिसोड्स भी आए, और उनको मतलब वेट नहीं हो रहा है, इतना ज़्यादा उत्साह है यंगस्टर्स के बीच में। और नॉर्मल स्कूल लाइफ से काफ़ी हटके है ये, और जैसे कि आप देख सकते हैं पोस्टर भी है यहाँ पे, काफ़ी मस्ती करते हैं हम यहाँ पे। पढ़ाई के अलावा और भी बहुत चीज़ें होती है। नॉर्मल जब मैं अपनी स्कूल लाइफ में था तो बहुत पढ़ाई में मैं टेंशन लगती थी मुझे, और बहुत प्रेशर था, पीयर प्रेशर कि ये आगे निकल जाएगा वो निकल जाएगा, पढ़ना है कुछ बनना है। तो उस चक्कर में क्या होता है कि हम लोग अपनी लाइफ एंजॉय करना भूल जाते हैं स्कूल लाइफ को। लेकिन स्कूल लाइफ बेस्ट टाइम होता है जो कभी वापस नहीं आता, ऐसे लोग कहते थे, लेकिन हमारा स्कूल लाइफ वापस आया है। तो बहुत मज़ेदार ये वेब सीरीज़, हमने शूट के दौरान भी बहुत मस्ती की, और वैसे भी अगर आप देखेंगे आपको बहुत मज़ा आएगा। और पहला एपिसोड अगर आप देखेंगे तो आई एम श्योर जो कि फ्री है वर्ल्ड बालाजी पर ज़रूर देखिएगा, तो उसके बाद आप पक्का पूरा बिंज वॉच करेंगे और पूरे 33 एपिसोड्स देखेंगे, हमारा वादा है आपसे, इतना मज़ा आएगा आपको। और जो करते वक्त भी हमें ऐसा ही लग रहा था कि जब हम शूट कर रहे थे ना, एक्चुअली उससे पहले भी जब हम स्क्रिप्ट पढ़ रहे थे तो हो रहा था कि अब नेक्स्ट क्या होने वाला है, अब क्या होगा, इतनी एक्साइटमेंट थी। और शूट करने में वो एक्साइटमेंट डबल हो गया, जब हम वापस देख रहे हैं तो इतना अच्छा स्क्रीन पर निकल के आया कि मतलब और एक्साइटमेंट ट्रिपल और 4-5 गुना हो चुकी है। और ये एक्साइटमेंट जो हमारी है, मेहनत भी बहुत लगी है, तो आई एम श्योर आपको देखने में मज़ा भी आएगा। लगता है कहीं ना कहीं से पहले कह सकते हैं कि जिस तरह की एक बड़ी बड़ी बजट की फिल्में बनती थी, पर जब से वेब सीरीज़ का दौर आया है, वेब सीरीज़ एक प्लेटफॉर्म पे दिखने लगा है और लोग अब इसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगे हैं, या यूँ कहें कि अब लोगों को वेब सीरीज़ ही ज़्यादा पसंद आने लगी है, क्या कारण देखते हैं इसके पीछे? सी, बजट से तो कभी कुछ होता नहीं है, कंटेंट आजकल चल रहा है बहुत, 200-300 करोड़ में बजट में फिल्म बनती है लेकिन चल नहीं पा रही है। लेकिन हम जैसे हमारी वेब सीरीज़ है लो बजट वेब सीरीज़ है लेकिन लोगों को बहुत पसंद आ रही है, तो कंटेंट चलता है, रियलिस्टिक है हमारी वेब सीरीज़, बहुत फिल्मी नहीं है कि जैसे अभी गाना बट बज रहा है, ये बज रहा है, वो बज रहा है, कट टू कट सीन्स होते हैं जो नॉर्मल लाइफ में लोग रिलेट कर पाते हैं और बहुत लेसन्स भी सीखने को मिलेंगे। तो वही चीज़ है, कंटेंट बिक रहा है आजकल। कितना लगता है आपको कहीं ना कहीं से वेब सीरीज़ में न्यू कमर्स को मौका मिलता है और अपना हुनर दिखा पाते हैं? आई थिंक फॉर एक्टर्स ना इट्स अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म, जितना ज़्यादा काम होता है उतना ज़्यादा आप अपने आप को और अपने टैलेंट को एक्सप्लोर कर पाते हो। पहले ये था कि इधर इट्स फिल्म और इट्स टीवी, तो समवेयर इन द मिडल ऑफ दैट दिस न्यू वेब का जो दौर आया है, आई फील इट्स वेरी इंटरेस्टिंग क्योंकि बहुत सारे लोग थे, पीपल हु वर नॉट वर्किंग, एंड यू नो द बेस्ट पार्ट इज़ बहुत जल्दी बन जाती है, लाइक यू नो यू शूट फॉर 2-3 मंथ्स एंड एडिट होके आ जाती है, and a film takes almost a year, all of that, so it's very very brilliant for actors. Mera to like I feel it's my favorite genre right now because in a year you can do 3-4 if you can manage your time. Brilliant.
बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए, और उम्मीद है आप लोगों की वेब सीरीज ये धमाल मचा देगी। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद थे चेतना पांडे और रोहन मेहरा, जो आज लखनऊ पहुंचे थे आपकी वेब सीरीज को प्रमोट करने के लिए। साफ तौर पे उनका कहना है जिस तरह से पढ़ाई को करते करते आज एक लाइफ जो है वो बोरिंग हो चुकी है, कहीं ना कहीं से हमारी वेब सीरीज के बाद उसमें एक एंटरटेनमेंट आएगा, तो आप लोगों भी इस मूवी को देखने जरूर जाएं। संदीप खेर कैमरा पर्सन, प्रियांश के साथ R9 TV उत्तर प्रदेश।